तो कैलकुलेटिव है मैथ, बाकी हिंदी तो हल्की आ रही बहुत, हिंदी कोई 20 वाली आ रही है, रीजनिंग 15-16 इजीली हो जाएगी, 15-16। और जीके जीएस जो लोग नृत्य आ रहे हैं उसमें, और एक वो आया था माधवी सेवी जो सेवी की बनी है अध्यक्ष, एक वाला करंट अफेयर था, 3-4 करंट के हैं। मैं थोड़ी कैलकुलेटिव है बस, दो क्वेश्चन एसआई के, नहीं सीआई आया था, सीआई दो क्वेश्चन सीआई के, हाँ प्रॉफिट एंड लॉस और वैध रेडियस वगैरह हुई वॉल्यूम वाले निकालने के लिए। टोटल पेपर ठीक है बस, मैथ कैलकुलेट नहीं, मैथ कैलकुलेटिव है थोड़ी, बाकी सब ठीक है, बाकी कोई दिक्कत, पेपर अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। टाइम के लिए क्या है, टाइमिंग का है वही ना मैथ का, जो मैथ कर लो टाइम, हां बस मैथ का जो मैथ थोड़ा कंट्रोल कर लेगा हो जाएगा पूरे मैथ, मतलब पूरे पेपर को 4-5 क्वेश्चन ऐसे तो कैलकुलेटिव है, बाकी सब ठीक है, बाकी कोई सब नॉर्मल ही आ गया। रीजनिंग में, रीजनिंग 15-16 इजीली हो जाएगा आराम से। और जीएस में कोई क्वेश्चन याद है क्या का, जीएस में कोई क्वेश्चन याद है, जीएस का एक तो बताया था करंट अफेयर वाला बताया था, मार्टीपुरी जो अध्यक्ष बनी है उसे भी की उसका था, और लोक नृत्य से आया था एक सिक्किम वाला और नागालैंड वाला करके कुछ ऐसे था, एक वो था, एक आया था आर्टिकल से आया था वो 19 का प्रेस की स्वतंत्रता आया था आर्टिकल 19। प्रेस का पेपर आ रहा है, पेपर तो भाई क्या डाई आ रहा, खैर अब देखेंगे और चल गए हैं, कैसा हो रहा है बच्चों का पेपर जो जाएगी, नहीं मैंने तो दिया ही ना अभी, अब देख मजा लगे दे रहे हो पहले। पेपर देखने तो आए हैं और क्या करना है, भैया पेपर के बारे में बताओ यार कैसा पेपर है। पेपर बढ़िया था भैया, आसान पेपर था, आसान है पेपर, पेपर आसान था, हल्का ही है, हल्का ही है भैया, हो जाएगा क्लियर, इतना हल्का का, काफी हल्का था, 250 ग्राम का, 100 ग्राम का, 100 ग्राम का, और बताओ कोई क्वेश्चन याद है, जो बाहरी सा क्वेश्चन हो वो बताओ, बाहरी सा तो कोई सही रहा ठीक है, इंडिया की है सारे क्वेश्चन, इंडिया की, इंडिया की है भाई, ब्याज वाले भारी थे, ब्याज वाले दो साल का चक्रवर्ती ब्याज बूझ के उसका तिमाही करवा रखा है उन्होंने, मतलब एक ही क्वेश्चन में 3-3 टाइप घुसा रहे हैं उसमें, तो सारा पेपर कैलकुलेटिव है, दो हाँ सीआई में घुसा रखा है और दो सीटिंग अरेंजमेंट के दे रखे हैं उसी में ही, अच्छा दो प्लस माइनस चेंज वाले दे रखे हैं उसी में ही, तो सारा कुल मिला के पेपर कैलकुलेटिव है, मैथ और रीजनिंग, भारी पेपर है, हाँ नहीं भारी तो है नहीं लेकिन कैलकुलेटिव है, कितना है तो कितने क्वेश्चन करे जा सके, मैंने नहीं अगर किसी की ठीक ठाक है तो 70 हो जाएंगे, ठीक ठाक नहीं जो एवरेज बच्चा है, हर कोई एवरेज, एवरेज बच्चा 60 से 65 कितने हो जाएंगे, तो कोई क्वेश्चन याद है जी इसमें, जीएस का क्वेश्चन ये है कि एक वो पूछा था डांस का नाम आया था, डांस वो नर्तक नृत्य कौन सा है, नृत्य नृत्य कौन सा था, बढ़िया था है, चू करके कुछ ऐसा था, मतलब तो मतलब उसका उसका था वो नागालैंड का, नागालैंड का, नागालैंड का वो पूछा था, नागालैंड का नृत्य था वो पूछा गया था, 2022 की जनगणना में भारत का स्थान कौन सा था, ये आया था, और एक आया था जी हमारा रुक जाओ आर्टिकल लोक नृत्य आया था आर्टिकल 19 से आया था वाक बोलने के लिए कौन सा आर्टिकल से, और जी इकोनॉमिक्स से आया था एक पूंजीवादी जिसमें साम्यवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया गया था, ये आया था इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन, पंचवर्षीय योजना था एक था हाँ जिसमें बता रहा हूँ जिसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था था दोनों को आया था, उसमें कौन सा आया था भैया, इसमें जो है सीआई से आए थे दो क्वेश्चन जिसमें 14% वार्षिक दे रखे थे बट 6 माह दे रखी थी उसमें 6 माह में, तो 14% के वो करने के बाद उसके बाद 6 माह के हिसाब से कैलकुलेट करनी थी, और दो क्वेश्चन भट्टे से दे रखे थे, एक में समतुल्य भट्टा पूछ रखा था, एक में और जी एक में पूछा था किस्त दे दी थी, दे दिया था हमारा अंकित मूल्य उस पर एक एक वो दे दी थी छूट डिस्काउंट दे दिया था, दूसरा डिस्काउंट पूछा था, तो एवरेज से कोई क्वेश्चन, एवरेज से कोई क्वेश्चन नहीं था, एलिगेशन से एलिगेशन मिक्सचर से क्वेश्चन थे हाँ, और जी मैंसुलेशन से दो क्वेश्चन थे जिसमें दो गोले से थे, गोले का आयतन दे रखा था, सिलेंडर का आयतन दे रखा था, आयतन निकालना था उसमें बराबर रखे वैल्यू, और सिंपलीफिकेशन से एक क्वेश्चन था हाँ, उसका जो है असेंडिंग ऑर्डर में लिखना था सर, लिख करके असेंडिंग ऑर्डर में लिखना था, फिर एक क्वेश्चन था सर
इमेंसुलेशन से था, इसमें वक्र उसका सिलेंडर का जो है ना वक्र पृष्ठ क्षेत्र टोटल सरफेस एरिया निकालना था। और तुम्हारी रीजनिंग से तुम्हारे सीरीज आई थी, और जी दड़पड़ से एक क्वेश्चन आया था, दो जो ब्लड ग्रुप से आया था, एक ब्लड ग्रुप से आया था, और जी थोड़े रीजनिंग कैलकुलेटिव के तीन क्वेश्चन थे ऐसे जो टाइम एक्सपेंड करने थे जिसके अकॉर्डिंग वो गोल मेज के चारों तरफ बिठा देते हैं रीजनिंग में। एक सीट के अरेंजमेंट से 6 मीटर बैठाए थे हमने, हाँ गोल मेज पे, गोल मेज पे। और जी एक क्वेश्चन था सीट उसमें गोल मेज से, और जी तुम्हारे और उससे आगे जी आ जाओ हिंदी पे, हिंदी में मुहावरे थे, मुहावरे से आया था एक, तो उसमें एक अनेक आर्थिक शब्द थे और मुहावरे था एक युग दे दिया था मुहावरों के, उसमें कौन सा क्वेश्चन गलत है ये पूछा था, हाँ। और जी रत्न शुद्धि से आया था, वाक्य शुद्धि, हाँ रत्न शुद्धि कितने थे, रत्न शुद्धि से तो एक मुहावरे से दे रखा था उसमें, उसमें भी शुद्ध निकालना था, तो यानी कि शुद्ध हिसाब से तो दो हो गए थे मुहावरे से, दो थे अनेक शब्द के लिए, एक शब्द के लिए दो क्वेश्चन आए थे इसके लिए, हाँ। और तुम्हारे जीएस से थोड़ा जीएस स्ट्रॉन्ग आ रही है, हाँ दो क्वेश्चन करंट से थे जीएस में, तो जीएस में कितने क्वेश्चन कर सके आदमी बिना नेगेटिव मारे, बिना नेगेटिव मारे तो कोई भी कितने भी कर देगा, हाँ एवरेज बच्चा जो है एवरेज के हिसाब से 8-9 तो हर लड़का कर ही देगा अगर जैसे क्वेश्चन आ रहा है, हाँ बट खेल जो कर रहे हैं एसएससी एग्जाम पे कहीं कैलकुलेटेड कर रहा है तो मैंसुलेशन में, और मैथ जो है ना मैथ कैलकुलेटिव डाल रहा है, और जी रीजनिंग भी कैलकुलेटिव, तीन क्वेश्चन ऐसे डाल रहा है जिसमें टाइम एक्सपेंड होगा, जो टाइम ज्यादा वेस्ट होगा। टोटल कितने क्वेश्चन किए मैंने? 61 अटेम्प्ट किए हैं। जैसे आपने इंटरव्यू दिया आपको देख के तो ऐसा लग रहा है कि आपने सारे क्वेश्चन ठीक ही करे हो। नहीं नहीं मैंने 61 अटेम्प्ट किए हैं, मेरा 59 मेरे एक्यूरेट थे। धन्यवाद। कैसा पेपर आ रहा भैया, कुछ बताओ पेपर के बारे में। पेपर जो है ना थोड़ा मैथ का लेवल हाई है, उसमें जो है ना कैलकुलेटिव बेस है, बाकी सब तो इजी है, जीएस थोड़ी सी टफ लगी मुझे और मैथ बहुत ज्यादा टफ लगा। और आपकी रीजनिंग और हिंदी बिल्कुल हलवा है जिसे कहते हैं, ये बहुत इजी। मैंने 30 मिनट में समथिंग आधे से ज़्यादा क्वेश्चन खत्म कर दिया था, बट मैं मैथ में रह गया, उसमें मात्र मेरे 14 अटैम्प्ट हो पाए, 20 हैं 8 रह गए। तो मैथ आपने शुरू में लिया या लास्ट? लास्ट में लिया मैंने, जो भी बंदा पेपर करने जा रहा है वो लास्ट में लिया मैथ को, वो कैलकुलेटिव बेस है। अब शुरू में हार्ड क्वेश्चन रख रखे हैं ये मैथ में, रीजनिंग तो शुरू से लेके लास्ट में बस 2-3 क्वेश्चन थे जैसे सिटिंग अरेंजमेंट के, ये हार्ड थे। चलो ठीक है भैया, धन्यवाद। हाँ तो भैया कैसा गया पेपर आपका? कुछ बताओ। पेपर ठीक था, थोड़ा सा समय रीजनिंग कैलकुलेटिव थी, और तुम्हारा मैथ, मैथ कुछ क्वेश्चन हार्ड थे बाकी नॉर्मल थे इजी। कितने टाइम किया तुमने? 62। पहले भी दिया पेपर जीटी का? दिया था। तो क्या स्कोर बन सके आपके? देखो अभी पता नहीं है, 61 सही है मतलब। तो जो बच्चे जिन बच्चों का आगे पेपर है उन्हें क्या कहना चाहते हो? नहीं यही है कि ज़्यादा कुछ नहीं है पेपर, मतलब कॉन्स्टेबल के लेवल से पेपर सही है, बस थोड़ा रीजनिंग कैलकुलेटिव है, जो टाइमिंग लग रहा है सिटिंग अरेंजमेंट के 2 हैं क्वेश्चन, और तुम्हारा पेपर के जो टाइम मिल रहा है 60 मिनट, इसमें टाइमिंग थोड़ी सी कम है, तो टाइम को देखना है, रीजनिंग कैलकुलेटिव पूछ रहा है वो। तो भाई जैसे देखा आप लोगों ने, टाइम सबसे बड़ी चीज़ है इसमें, आप लोगों अगर कोई क्वेश्चन ऐसा रहा जो हो नहीं सकता या थोड़ा टाइम ले रहा तो उस क्वेश्चन को छोड़ ही दो, उसमें सबसे बढ़िया है आप लोगों के लिए, क्योंकि अगर उस पर आप उलझ गए तो पूरा आपके जो आगे आने वाले क्वेश्चन है हल्के हल्के वे भी छोड़ सकते हो आप। इसलिए जो क्वेश्चन एक बार भी अटक रहे उस क्वेश्चन को छोड़ दो, स्किप कर दो, आगे देखो, ठीक है भाई। तो भाई आगे भी आप ऐसे ही रिव्यू देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। धन्यवाद भाई।